नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। ऑक्सीजन के लिए आर्मी और वायु सेना ने संभाला आगरा में मोर्चा, ऑक्सीजन प्लांट चालू। सालों से बंद पड़े अग्रवाल गैस प्लांट को शुरुआत करने के लिए आर्मी और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल कर प्लांट को सुबह तक चालू कर दिया है। यह जिले का दूसरा प्लांट है जो कि एयर से ऑक्सीजन तैयार करेगा। फिलहाल आपको बता दें कि हर दिन इस प्लांट से 1600 सिलेंडर की रिफिलिंग की जा सकती है। आपको बता दें कि अग्रवाल गैस प्लांट ट्रायल के बाद बंद पड़ा हुआ था। जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह ने इसका निरीक्षण किया, शुरुआत करने के लिए आर्मी और एयरफोर्स से मदद मांगी। आपको बता दें कि गैस प्लांट के कंडेंसर और जरूरी उपकरण को रातों रात एयरफोर्स से अहमदाबाद से आगरा लेकर आए। वहीं इस प्लांट को चालू करने के लिए आर्मी के टेक्निकल टीम के बंदे रात भर लगे रहे और सुबह तक शुरू कर दिया गया। वहीं जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से आगरा में ऑक्सीजन से राहत मिल सकती है। आगरा से संवाददाता जीशान अहमद की रिपोर्ट। अंजेश कुमार से। किस तरीके का ये प्लांट यहाँ पर लगा है? एयर सेपरेटर, एयर से बनेगा। अच्छा, इसकी क्षमता कितनी है, क्या है? 400 मीटर पर आवर, 24 आवर्स 1700 चलेगा। तो लिक्विड की तो जरूरत पड़ सकती है? नहीं, ये बाय प्रोजेक्ट है, ये मैन्युफैक्चर प्लांट है। अच्छा। बाय एयर फिक्स करके हम लोग प्रोसेस में ले करके खुद इसको बनाएंगे। ऐसे प्लांट देश में लगे हुए और बहुत बहुत सारे देश में लगे हुए, इंडिया में काफ़ी प्लांट है। आगरा के अंदर? आगरा के अंदर बड़ी, ये सबसे बड़ी प्लांट है। इसे कितनी आपूर्ति हो सकती है एक घंटे में? एक घंटे में 60 सिलेंडर निकलेंगे। निकल सकते हैं जी। अरे इसमें सेना का क्या सहयोग? सेना का कोई इसमें रिश्ते नहीं है, इंडियन प्रोजेक्ट है। नहीं, ये यहाँ पे लगा रहे हैं सेना के लिए? सेना को, आर्मी को इसलिए लिए कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए, कि हमारा काम जल्दी हो, जितना जल्दी हो सके प्रोजेक्ट चालू हो जाए, प्रोडक्शन निकले, ताकि ये पब्लिक को जो गैस का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो समस्या दूर हो, इसलिए आर्मी वाले ने मुझे सपोर्ट दिया है। ये प्लांट बाहर से मंगाया, वो कैसे आया था? ये बाय ट्रांसपोर्ट से आया था। हवाई जहाज के माध्यम से? नहीं, हवाई जहाज से नहीं, बाय रोड से आया था। औरंगाबाद से प्लांट डिसमेंटल करके लाए। सेकंड हैंड। विशाल अग्रवाल। तो जी, किस तरीके का प्लांट है ये? ये एयर सेपरेशन प्लांट है सर। इसमें लिक्विड की कोई जरूरत नहीं? नहीं सर, ये लिक्विड की जरूरत नहीं है। इसमें किस किस का सहयोग रहा है प्लांट तैयार करने में? गवर्नमेंट सर फुल सपोर्ट कर रही है, एयरफोर्स का भी सपोर्ट है, आर्मी का भी सपोर्ट कर रहे हैं, डीएम सर पर्सनली खुद लगे हुए हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती है पूरी फुल सुविधा दी जा रही है। आपने कब स्टार्ट किया था सर? लगभग 1.5 महीने पहले ये मैंने परचेज किया था मुंबई से। अच्छा, तो आपको लगता था कि इस दौर में भी इसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ जाएगी? सर ऐसा तो कोई चांसेस नहीं था, मैंने तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए लिया था। अच्छा, लेकिन ये और भी बेटर है, मेडिकल में यूज़ होगा, ये लोग लोगों की जान बचाएगा, इससे बढ़िया क्या बात है। काफ़ी सहयोग प्रशासन का है? जी सर बिल्कुल, फुल सपोर्ट। अच्छा, तो पार्ट्स बाहर से भी आए अभी? हाँ, कल रात को अहमदाबाद से एक पार्ट मंगाया जो एयरफोर्स प्लेन लेके आया है। अच्छा। कल रात को 2 बजे हम लोगों ने प्लांट स्टार्ट किया है। भाई की क्षमता क्या रही? लगभग 1000 से 1200 सिलेंडर पर डे। जी सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।